हेलो लवलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू द आर्कएंजल टैरो। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स आपसे मिस ना हो, ठीक है। और ये रीडिंग एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। आप चाहे किसी भी टाइम इस रीडिंग को देखेगा, ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। साथ के साथ कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आपका जेंडर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ये रीडिंग आप देख सकते हैं। आप लोग रिलेशनशिप में हो, लिव इन में हो, मैरिड हो, सिंगल हो, जो भी है, ये रीडिंग आपके लिए होगी। किसी भी पर्सन के बारे में आप जो जानना चाहते हैं वो फीलिंग्स आप जान सकते हैं, ठीक है। बीइंग इट अ लव लाइफ है ना, कि क्रश हो कोई आपका, सिंगल हो लेकिन हाँ आप किसी को पसंद करते हो, तो एक ये लव रीडिंग होने वाली है। साथ के साथ मैं आपको ये बता दूँ कि पूरी रीडिंग के दौरान आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, ठीक है। जो चीज़ें आपको इग्नोर करने की ज़रूरत है वो आप अपने आपकी इंट्यूशन अपने आप ही इग्नोर कर देगी, और जो चीज़ आपको जानने की ज़रूरत है आपकी इंट्यूशन आपको उस चीज़ के लिए भी गाइड कर देगी। तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन पर पूरा भरोसा रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर, भाई आपके पार्टनर आपके साथ लिए लॉयल है बहुत ज़्यादा, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। चाहे दोस्तों के साथ हो, चाहे आपको कितना ही दिखा रहे हो कि वो कितना एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में, कितने चिलिंग कर रहे हैं, कितनी बार पार्टी वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, या दोस्तों के साथ मज़े कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन आपके लिए लॉयल है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, दुखी हैं, ठीक है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको समझ नहीं आता, बहुत ज़्यादा सोच जाते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बंदे की सोच की एक लिमिट रखो ना कि पॉजिटिव सोचना है या नेगेटिव सोचना है, कोई मतलब एक लेवल तक आओ। पॉजिटिव चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सोचेंगे, नेगेटिव चीज़ें भी बहुत ज़्यादा सोचेंगे, मतलब बहुत हद ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन लॉयल हैं आपके लिए। आपको कभी चीट नहीं करेंगे, आपको कभी धोखा नहीं देंगे, आपको कभी दुखी नहीं करेंगे। आपके पार्टनर इतने ज़्यादा लाइक हैंडसम नहीं है या इतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन जो दिल है ना उनका वो बहुत प्यारा है, खूबसूरत दिल है उनका, और दिमाग तो वही है, ज़्यादा चलाते हैं ना, बहुत ज़्यादा चलाते हैं। इमोशनल है आपको, लेकिन यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट एंड वाइट एंड ब्लैक में देख रही हूँ बहुत ज़्यादा आ रहा है, एंड बैलेंस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड में आपके पार्टनर है अभी, ठीक है। आपको कभी नहीं चीटिंग करेंगे, आपको कभी नहीं धोखा देंगे, बस अपने आप को आपका मन लगा के बैठे हुए हैं कि कब आके बात करें, कम्युनिकेशन हो, आप दोनों का जो टफेस्ट टाइम है वो अपने आप सॉल्व हो जाए, ये चीज़ें सही हो जाए, ये सोचने के लिए बैठे हैं, ठीक है। कि अगर आपका नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन वाली सिचुएशन भी है ना, स्टिल आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आपके मतलब एक होता है ना बैलेंस है चीज़ों में, उनको है कि आप आओगे, उनको नहीं है कि ये चीज़ें ख़त्म हो गई और बहुत ज़्यादा है, लेकिन मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, मुझे लगता है तुम मुझे भूल गई हो, भूल गए हो या भूल गई हो, कुछ भी हो, ठीक है। ये जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से बोलूँगी तो आप देख लेंगे, ठीक है। मैसेज ऑफ योर पार्टनर, मुझे लगता है तुम मुझे भूल गई हो, और क्योंकि तुम हो इतनी प्यारी, तुम इतनी
कॉन्फिडेंस होगी तो मेरी याद भी नहीं आती, मेरे को तो लगता है कि मैं कहाँ ही तुम्हारे लिए स्टैंड करता हूँ या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शन होंगे और मुझे लगता है कि तुम इतनी प्यारी, इतनी कॉन्फिडेंट हो और लाइफ में भी तुम इतनी अच्छी जगह पे हो ना कि तुम्हें मेरी ज़रूरत महसूस ही नहीं होती होगी। मैं अपने आप को बहुत बहुत छोटा समझता हूँ तुम्हारे आगे। तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम जानती हो कि तुम्हारे पास कितने ऑप्शन हैं, मतलब लाइन लगी रहती है तुम्हारे पीछे, ठीक है। आज भी मैं तुम्हें उतना ही अडोर, उतना ही पसंद करता हूँ जितने तुम पहले थे। तुम्हारा एटीट्यूड जो है, तुम्हारी पर्सनैलिटी जो है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और तुम्हारा खुद पे जो भरोसा है, कॉन्फिडेंस, ये समझो मुझे मार ही डालते हैं तुम्हारे लिए। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। ये रिलेशनशिप हमारा इतना छोटा, इतना सस्ता, इतना हल्का नहीं है कि चीज़ें बिल्कुल टूट जाएंगी। मैं जानता हूँ जितना मैं लॉयल हूँ तुम्हारे लिए, उतनी तुम भी मेरे लिए लॉयल हो और तुम मेरा साथ निभाओगे हमेशा। ये रिलेशनशिप हमारा बहुत स्टेबल है, काफ़ी लंबा चलेगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम भी मुझसे शादी करना चाहती हो। हमारा बहुत अच्छी सी फैमिली होगी, छोटे छोटे बच्चे होंगे और हम खुशी रहेंगे, हैप्पीली मैरिड एवर आफ्टर रहेंगे, ठीक है। हैप्पीली मैरिड एवर आफ्टर रहेंगे, ठीक है। मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और मैं तुम्हारे आगे कहीं स्टैंड नहीं करता हूँ, लेकिन तुम मेरी लाइफ का वो चार्म हो, वो खुशियाँ हो, तुम मेरी लाइफ का रेनबो, मेरी सारी लाइफ में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब तुमसे जुड़ी हुई है। मेरी ज़िंदगी का कलर तुम हो, ठीक है। तुम जब मेरे साथ रहती हो मेरी ज़िंदगी कलरफुल हो जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कुछ चीज़ें उल्टी सीधी सोचता रहता हूँ। और तुम्हें पता भी है कि जो दूरियाँ हैं ये हम दोनों में हम दोनों के अंदर, हम दोनों के रिश्ते के अंदर डिफरेंसेस क्रिएट करती है। हम दोनों को परेशानी और लड़ाई झगड़े ये शायद जो इतनी ज़्यादा दूरियाँ हैं उनकी वजह से होता है, लेकिन ऑनेस्टली मैं तुम्हें कभी खोने नहीं दूँगा और नहीं खोऊँगा, ठीक है। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, तुम ही रहूँगा सब कुछ, और मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। ये हैं आपके पार्टनर के मैसेजेस, और अगर आपको ये चीज़ें क्लेम करनी है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि येस आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज, ऑल द ब्यूटीफुल एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर या माय पार्टनर विद इन आप लोग, ठीक है। सो ये है वीडियो आप लोगों की, अगर आपको पसंद आई है, रेजोनेट करिए तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब मैं देखती हूँ कि रोमांस एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। देरी नहीं करनी है उसमें, फैमिली इश्यूज, फ्लड, रिट्रीट, रिकॉन्सिलेशन की चांसेस हैं आप लोगों के बहुत ज़्यादा, ठीक है। फ्री योरसेल्फ, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। देखो साफ साफ आपसे ये कहा जा रहा है कि आंख बंद करके प्लीज़ अपने रिलेशनशिप पे, अपने पार्टनर पे इस बार मत भरोसा करना, ठीक है। चांसेस है आप लोगों का रिकॉन्सिलेशन होगा, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो बात होगी, लेकिन आपको अगर आपको लगता है ना कि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई और ख़राब हो गई तो आपके रिलेशनशिप में एक नया चांस मिलेगा, राइट। लेकिन आपको है ना अपने पार्टनर के ऊपर वो डिपेंडेंट भी नहीं कर लेना है अपने आप को कि बिल्कुल मेरा पार्टनर है तभी मैं अचीव हुआ या अचीव हूँ, वो नहीं है तो मैं जीना बंद करती हूँ, अचीव नहीं करती हूँ। और ये मुझे हीलिंग दिख रही है आपके पार्टनर के ऊपर कर रहे हैं और आपके ऊपर, राइट। ये हीलिंग होगी और ज़रूरी है, साफ साफ बता रही हूँ। रिकॉन्सिलेशन के चांसेस हैं, होंगे, ठीक है। अगर सेपरेशन चल रहा था तो, सेपरेशन नहीं चल रहा था तब भी आपके रिलेशनशिप में पॉजिटिव जंप या पॉजिटिव स्विच आने वाला है, ठीक है। लेकिन एक उतना लगाम अपने हाथ में रखे हैं, आँख बंद करके भरोसा किसी भी चीज़ पर नहीं करना, ठीक है। अगर आप चीज़ों को बैलेंस और थोड़ा सा अपने हाथ में लगाम रखेंगे, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाएंगे तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी, राइट।
सो ये थी रीडिंग, आप लोगों के लिए अगर पसंद आई है तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कितना कितना रेजोनेट करा, कितना नहीं किया, और ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज वो भी आप कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, बी हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।